फ्रेंड्स, आज मैं आपको समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाता है आठवां, इसका क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें मैं पाँच नंबर एक पूछेगा और एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव की सीरीज अपन बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, पाँच नंबर में पूछने वाला है, इसमें दो प्रश्नावली दे रखी है आपकी किताब में, तो आपसे अभी देखो एग्जाम का टाइम है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक ही प्रश्नावली लगाइएगा, क्योंकि एक पहली वाली प्रश्नावली में से और एक दूसरी वाली प्रश्नावली में से क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहली वाली थोड़ी ज़्यादा ईजी है, तो उसको देख लेंगे अपन, तो ज़्यादा सही रहेगा ताकि अपन सीख भी पाएंगे अगर आपने पहले नहीं किया। और अगर आपको पहले अगर आता हो, सेकेंड प्रश्नावली ईजी लगती हो, तो वहाँ से करिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आज अपन दो प्रश्न डिस्कस करेंगे, दोनों में से एक जरूर बैठेगा, पक्की बात है, 100% बात है। अगर आपने ये दो देख लिए, दोनों में से एक पक्का बैठ जाएगा या इस तरीके का बैठ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है, इस वृत्त का अपने को चित्र बनाना आना चाहिए। तो देखिए, आपने 11 में पढ़ा होगा, एक वृत्त के वृत्त का समीकरण जो होता है उसके अनुसार, इसके अनुसार अगर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर इसके साथ कुछ नहीं है, तो मतलब इसका जो केंद्र होगा वो 0,0 हो जाएगा, और इधर जो दिया है वो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र यहाँ पर हो गया हमारे पास 0,0, या इसको 0,0 लिख सकते, और इसकी त्रिज्या यहाँ से हो गई a, त्रिज्या हो गई a, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1,0। क्लियर बात हुई। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे का, लेकिन चूंकि समाकलन में आपको पूरी प्रोसेस नहीं अपनानी है, यहाँ पर देखिए बहुत लंबा तरीका होता है इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, ठीक है, जैसे कि लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसको अपन बोल लेंगे y, और इसको अपन बोल लेंगे dx, एक छोटा पार्ट बोल लिया, ठीक है, और फिर अपन उसको लंबाई गुणित चौड़ाई और पूरा लिमिट 0 से लेकर a तक लेकर अपन आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन मैं और आसान तरीका इसका अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इस वाले टुकड़े को थोड़ा सा आप क्या कर दीजिएगा, डार्क। अभी वापस क्वेश्चन शुरू से देखिए, ठीक है, यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, इसको कर दिया डार्क, कौन सा वाला, एक चतुर्थांश अपन ने इसको कर दिया डार्क। आपको इस तरीके से चित्र बना, सबसे पहला काम है प्रश्न दिया होगा उसका चित्र बना लेंगे, ठीक है। अब अपन लिख देंगे हल, तो अपने लिख ही रखा है। अब इसमें हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो वृत्त के समीकरण, वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर से आपको करना है यहाँ पर वाई अकेला, या एक्स भी अकेला कर सकते हैं। जैसे मैं वाई अकेला करूँगा तो एक्स स्क्वेयर इधर आएगा, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और देखिए यहाँ पर y के साथ क्या स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट, यहाँ तक ठीक है, ये हमारे पास हो गया अल्टीमेटली y का वैल्यू, पहली चीज। अब दूसरी चीज, आपको समाकलन करना है y का 0 से लेकर a तक, अगर आप समाकलन करेंगे तो केवल ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। अब आपको पूरे वृत्त का निकालना है, तो ऐसे कितने खंड है, ऐसे 4 खंड है, तो अतः कुछ नहीं करना है, तो अतः अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमको निकालना है, या आपसे बोला जाए वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप इसे बोल सकते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बोले, या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित 4, क्यों, क्योंकि 4 खंड है, 4 गुणित इस वाले टर्म का, ये कौन सा है, ओ ए बी ओ, इसका नाम कुछ भी बोल सकते हैं आप, ए ओ बी ए, मतलब ए ओ बी ए, मतलब ये पूरा ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, ठीक है, बस वो अंडरस्टूड है, बस आप इस तरीके से करते जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, 4 गुणित ये। अब देखिए 4 गुणित, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समाकलन, कहाँ से, x का लिमिट, अगर आप y का वैल्यू ले रहे हैं तो x का लिमिट 0 से लेकर a तक लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने y और dx, y dx क्यों लिखा, अगर आप पहले वाले से लंबाई कितनी y और चौड़ाई कितनी dx, तो अपन वाई डी एक्स लिख लिया, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना एक आयत का क्षेत्रफल, वो सोच सकते हैं, या कुछ भी मत सोचिए आप डायरेक्टली, यहाँ से समाकलन करना है हमको, जो भी लिमिट होगी वो एक्स की अगर लेंगे तो यहाँ वाई लेंगे, और ऑब्वियस बात है समाकलन डी एक्स के साथ करेंगे क्योंकि लिमिट एक्स की है। बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन, बस इसका वैल्यू रखिए और समाकलन करना बस आपका टारगेट रहेगा 0,a। अब वाई देखिए क्या है, ऊपर से देखिए ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यहाँ तक ठीक है क्या। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास आ गया, अब आपको इसका समाकलन करना आना चाहिए, तो इसके समाकलन का एक सूत्र होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में, कि आपको जो इसका पहला समाकलन का वीडियो लेकर आया था वहाँ पर मैंने आपको सूत्र के लिए बहुत सारे टेबल्स बताई थी, मैचअप बताई थी आपको मैंने, वो ज़रूर देखिए, और आपको इन सूत्रों को याद करना है। देखिए ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाली चीज़ जब भी आई,
वहां पर साइन तो पक्का आएगा। अगर ये बटे में होता तो डायरेक्टली साइन इनवर्स आ जाता, 1/√ के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स एक्स बटे ए टाइप कुछ चीज आ जाती। लेकिन यहां पर ऊपर है तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है 4 गुणित, इसका सूत्र होता है 4 गुणित, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x बटे टू और ये का यही पूरा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जरूर याद कर रख के जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पक्का बैठेगा। इसलिए यही सूत्र आपको याद करके जाना है, ये वाला सूत्र थोड़ा सा याद करिएगा, एक्स बटे टू ये टर्म लिखी है और ए स्क्वायर बटे टू, एक बार एक्स बटे टू लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है और ए स्क्वायर के साथ एक्स बटे टू, और आपको पता है साइन इनवर्स तो पक्की बात है आएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, सॉरी यहाँ टू नहीं आएगा एक्स बटा ए आएगा, वो तो ए के मान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। और यहाँ लिमिट क्या दे रखी, 0 से लेकर a तक, बस हमारे पास हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए आपको पता है लिमिट किस तरीके से रखी जाती है, ए का मतलब है एक्स जहां जहां है वहां वहां ए रख दीजिए, और जीरो का मतलब है जहां जहां एक्स है वहां जीरो रख दीजिए, माइनस कर दिए। 4 का गुणा अपन आखिरी में करेंगे, ध्यान से देखिए एक्स जहां जहां मैं वहां ए रख रहा हूं, ए बटे टू रूट के अंदर ए स्क्वेयर एक्स की जगह ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर बटे टू साइन इनवर्स ए बटा ए, और देखिए जीरो रखूंगा अगर तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इतनी जगह नहीं, इसलिए मैं आप चाहे तो रख सकते हैं और फिर अगली स्टेप में लिखना। देखिए यहाँ जीरो रखूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ जीरो रखूंगा तो साइन और जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली आप इस वाले प्रश्न में जीरो डायरेक्टली केवल इतना सा लिख सकते हैं। क्लियर बात हुई। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आ रही बात। तो ये टर्म तो पूरा हो गया हमारे पास जीरो, अब हमारे पास क्या बचा है तो देखिए मैं आगे बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 4 गुणित ये तो हो गया हमारे पास, पूरा टर्म क्या हो गया जीरो, क्लियर है, और ए स्क्वेयर बटे टू साइन इनवर्स यहाँ पर आ रहा है, देखिए a बटे a आ रहा है 1, साइन इनवर्स 1। अब आपको पता है साइन इनवर्स 1 का किसका मान होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, साइन में 1 मान किसका होता है 90 डिग्री का, तो बस इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री मीन्स पाई बटा टू, बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन। 4 a² पाई बटे 2 × 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल और हमारे पास बच गया पाई ए स्क्वेयर, यही हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर बस आपको लिखना यही अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, बस आपको ये लाइन लिख देनी है। क्लियर बात हुई, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान, किस तरीके से करना फिर से मैं बता देता हूँ आपको, बहुत आसान तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, सर्वप्रथम हमारे पास जो भी वृत्त दिया होगा उसका चित्र इस तरीके से बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलिए इस क्वेश्चन में एक तरीका से और पूछ सकता है कि क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में अगर बोल दे, क्षेत्रफल याद कीजिए अगर यही बोले तो ये पूरा करना है, और अगर यहाँ बोल दे क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में याद कीजिए तो आपको 4 का गुणा नहीं करना है केवल, समझ में आ रही बात, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश मतलब इतना से ही ज्ञात करना है, और 4 का गुणा इसलिए किया क्योंकि सब ज्ञात करना था अपने को, इसलिए क्लियर बात है। अब यहाँ से आपका स्टेप टू स्टेप याद रखिएगा, x² + y² = a² में आपको क्या करना है, y को अकेला करना है और एक वैल्यू निकालनी है, y को अकेला करके वैल्यू निकाल ली अपन ने, पहली चीज समझ में आई, और बस कुछ नहीं करना है, 4 × जो भी हमारे पास y की वैल्यू उसका समाकलन कर लेना है लिमिट 0 से a, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 0 से a लिमिट आ गई, और बस इसको हल कर लेना है। एक और मेन चीज़ है यहाँ पर, आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, x/a a² - x² और a² / 2 x / 2 है ना, इधर x / 2 और साइन इनवर्स x बटा है, बस लिमिट अपन ने रख दी 0 से a, और यहाँ पर आपको पता है ये तो सब 0 हो जाएगा, केवल यहाँ पर a बटा a आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने लिख दिया है यहाँ पर, और a बटा a से हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये अपन को हल करके 2 × 4 से 4 कट गया πa² देखिए किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर r होती तो πr² आता, और यहाँ पर त्रिज्या क्या है a है तो πa². क्लियर हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस तरीके का। देखिए प्लीज मैंने यहाँ पर आपको वृत्त का बताया है, वो आपसे क्वेश्चन दीर्घवृत्त का भी पूछ सकता है, जैसे दीर्घवृत्त का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, एक दीर्घवृत्त दे देगा, देख लिए मैं यहाँ पर रफली बता देता हूँ, x² / a² / y² / b²
बराबर हमारे पास दे दिया वन से घिरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए। देखिए तो दीर्घवृत्त का चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब एक्स के बटे में ए है इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास ए, और ये हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, और बी है तो ये यहाँ पर अलग ही 0,b और बहुत सारी चीज़ें। आप पहले वाले तरीके से ही करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। समाकलन करना है लिमिट एक्स वाली 0 से लेकर कहाँ तक लिखना है ए तक, और वाई डी एक्स। अब वाई का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर वाई को करेंगे अकेला। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 0,a वाई का वैल्यू देखिए ये पूरा उधर जाएगा तो 1 माइनस, हालांकि ये वाई वाला वैल्यू यहीं पर लाइएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर कहाँ चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बी स्क्वेयर चला जाएगा वहाँ पर गुणे में, बी स्क्वेयर चला जाएगा वहाँ पर गुणे में। बस इसको आपको हल करना है। यहाँ पर भी आपका वही आने वाला है, और यहाँ पर ये वाई स्क्वेयर का वैल्यू आया और इसको अपने को रूट में लिख देना है। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए मैं एलसीएम लूँगा तो देखिए बटे में ए स्क्वेयर आएगा, और बी स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर बी बटा ए बन के बाहर निकल जाएगा, और 0,a और इधर आ जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे अपन ने ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया वैसा ही यहाँ पर लगा करके आंसर हो जाएगा। इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, सॉरी, क्योंकि पूरे दीर्घवृत्त का निकालना है, इसलिए बस ये वाला काम आपको दीर्घवृत्त में भी करना है। बस तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर हर एक साल आ रहा है, तो आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका आप सेकेंड वाला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिए ये जो प्रश्न आ रहा है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है और इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है दीर्घवृत्त में किसके सापेक्ष है। तो यहाँ पर आपने 11 में पढ़ा है दीर्घवृत्त में अगर आपके पास कभी भी जो जिसके बटे में बड़ा हो उसके सापेक्ष हमारे पास दीर्घवृत्त होता है। तो सर्वप्रथम अपने को क्या लिख देना है, दिया जो हमारे पास है दीर्घवृत्त वही लिख देंगे अपन। फिर इस चित्र को थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको, एक्स स्क्वेयर बटे 16 धन वाई स्क्वेयर बटे 9 बराबर 1, यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा अगर यहाँ पर मैं इसको सही से जमाऊँ तो एक्स स्क्वेयर बटे 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर बटे 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वेयर। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए किसके सापेक्ष है। तो एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर देन वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर के रूप में होता था, तो ये ए के सापेक्ष है, तो यहाँ पर ए क्या हो गया हमारे पास 4, तो ये दूरी हमारे पास हो जाएगी 4। तो ये बिंदु क्या लिख दूंगा मैं 4,0, ये बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा 0,0, और 3 क्या है तो इसलिए इस बिंदु को ऊपर लिख देंगे 0,3 क्योंकि वाई अक्ष पर है। ठीक है, इसका नाम मैंने पहले दिया था, जैसे ए दे देता हूँ, ये हमारे पास मूल बिंदु ओ और इसका नाम दे दिया बी। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा और इसमें 4 का गुणा कर दूंगा बिल्कुल एज इट इज पहले किया वैसे ही, और लिमिट में लिख दूंगा 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि मैं एक वाई का अगर वैल्यू निकालूंगा तो वाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगा और 0 से 4 तक यहाँ की लिमिट हो जाएगी। क्लियर बात है, तो अल्टीमेटली अगला टारगेट हमारा यहाँ पर वाई को अकेला करना है। तो देखिए वाई को अकेला करेंगे ये किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने इधर कर दिया वाई को अकेला, तो ये पूरा उधर गया, तो क्या बचा वाई माइनस एक्स स्क्वेयर बटे 4 स्क्वेयर, यहाँ तक ठीक है। और ये बटे में जो 3 का स्क्वायर था इधर गुणे में आ जाएगा, तो आप चाहो तो आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई बात नहीं, ठीक है 3 स्क्वायर गुणे में आ गया। और इधर देखिए वाई स्क्वायर था और स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, इतना आपको एक साथ लिखना है। ठीक है, आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसके आगे वाई बराबर, ध्यान से देखिएगा ये 4 स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा एलसीएम लूंगा तो इधर क्या बच जाएगा 3 स्क्वेयर बटे 4 स्क्वेयर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 3/4 बन के बाहर निकल जाएगा, और इधर बच जाएगा मेरे पास 4 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। अब बस यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से ही है, ए का काम कौन कर रहा है 4, और एक्स का काम तो एक्स कर ही रहा है, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, अतः हमको जो क्षेत्र अभीष्ट क्षेत्र मतलब हमको जो निकालना था या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं 4 गुणित किसका क्षेत्रफल, 4 गुणित ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बस पिछली तरीके से करते जाइए, 4 गुणित ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर अपने को समाकलन कर देना है 0 से लेकर 4 तक लिमिट ले लेनी एक्स की, और यहाँ लिख देना है वाई डी एक्स। क्लियर बात है, वाई की जगह मैं यहाँ से वैल्यू रख दूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्षेत्रफल जो चल ही रहा है हमारे पास इधर करके बराबर, जो क्षेत्रफल वाली बात आप नीचे लिखते रहेगा और बराबर करके लिखते रहेगा, 4 गुणित समाक 0 से लेकर
फोर तक तो लिमिट, और y की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू लिख दी है, y की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू लिख दी है 3/4 रूट के अंदर 4² - x² dx। बस आपको फार्मूला देखिए, 3/4 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा गुणे में क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ लिमिट हमारे पास लिमिट लिखी है, या डायरेक्टली आप फार्मूला चलिए एक और बार लिख लेते हैं, 0 से लेकर 4, और यहाँ पर 4² - x² dx, इस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 का गुणा बाद में करेंगे, पहले देखिए समाकलन में थोड़ा ध्यान दीजिए, a² - x² का समाकलन क्या होता था आपने पहले अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा हो तो मैं वापस बता देता हूँ, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया, सबसे पहले अपन लेते थे x बटा दो और रूट के अंदर ये का ही चीज़ लेते थे 4² - x², ये करते थे, प्लस a² मतलब ये का ही स्क्वेयर बटे a² / 2, यहाँ पर भी 2, ध्यान दीजिए कि इधर बटे 2 आता है, और साइन इनवर्स x क्या है x/a क्या है हमारे पास 4, थोड़ा सा जगह कम है तो देखिएगा, है ना, ठीक है, वही सूत्र मैंने लगाया और कुछ नहीं किया, और लिमिट यहाँ पर है 0 से लेकर 4 तक, क्लियर बात है, बस पहले की तरीके से अगर आप करेंगे तो 0 रखेंगे तो देखिए ये तो सब 0 हो जाएगा, और 4 रखेंगे देखिए ये 4 हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर लिमिट रखिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ 4 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो मैं यहाँ पर और 0 का तो कुछ लेना ही नहीं, 4² - 16/2 यहाँ लिख देता हूँ, और साइन इनवर्स x की जगह 4/4, और 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो 0 का एक स्टेप आप खुद करिएगा, ठीक है, 4 से 4 काटा, यहाँ पर क्या आ गया 16/2 हमारे पास आ गया 8, और साइन इनवर्स 4/4 आता है 1, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होगा हमारे पास π/2, क्या होता है π/2, आप चाहो तो इस 2 से इसको काटेंगे, चाहो क्या काटना पड़ेगा, ठीक है, 2 चौक 8 4 3 12 पाई वर्ग इकाई, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने ये थोड़ा सा नहीं लिखा था तो वहाँ पर भी याद रखिएगा, जब भी क्षेत्र में निकालते हैं वर्ग इकाई में आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 12π वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, सेम तरीका था ये, देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि पक्का इनमें से ज़रूर आएगा 100%, बाकी आपको कुछ तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं, इन दोनों में से उनको एक देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा IMP है, इस पूरे चैप्टर का बेस ही इनसे ही बनता है, इसलिए क्लियर बात है, बस इतना सा ज़रूर याद रखिएगा, कभी यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश बोल दे, कभी यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में बोल दे तो आपको 4 का गुणा नहीं करना, बाकी सेम रहेगा, क्लियर बात हुई, कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।